इंदौर शहर के मध्य में स्थित चिड़ियाघर के एक पिंजरे से रात एक तेंदुआ भाग निकला। मामले की जानकारी मिलते ही चिड़ियाघर के कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। इधर तेंदुए के भागने की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। अब तक तेंदुआ चिड़ियाघर से भागकर किस ओर गया, इस बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि तेंदुआ बुधवार रात को ही नेपा नगर से पकड़कर इंदौर जू उपचार के लिए लाया गया था। बताया जाता है कि बुधवार रात 9 बजे बुरहानपुर वन विभाग के कर्मचारी इस तेंदुए को एक वाहन में रखे पिंजरे को लेकर इंदौर चिड़ियाघर आए थे। यहां इसका उपचार होना था। यह तेंदुआ नेपा नगर के जंगलों में घायल अवस्था में पकड़ा गया था, क्योंकि रात में इंदौर चिड़ियाघर के ज्यादातर कर्मचारी जा चुके थे। पिंजरा कपड़े से ढका था, इसलिए चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव और वहां के कर्मचारियों ने यह देखने की जहमत नहीं की कि पिंजरे में तेंदुआ है भी या नहीं। अभी हम लोगों का सर्चिंग अभियान चल रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी और हमारी जू की टीम भी, हम लोग सब साथ मिलके लगे हुए हैं और उसको अगर जू में होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसको ट्रैप करेंगे और इसी का सर्चिंग अभियान चल रहा है कि कहीं उसका लोकेशन मिल जाए। फिलहाल हम लोग सभी सुबह 5 बजे से लगे, अभी तक उसकी कहीं लोकेशन मिली नहीं है। CCTV कैमरा में जरूर कहीं ना कहीं उसकी परछाई इस तरह की दिखी है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक उसकी पूरी बॉडी के जो पैटर्न है, उसका कलर पैटर्न, ये सब चीज़ें अगर सामने नहीं आती तब तक एकदम क्लियरली कहना ठीक नहीं। लेकिन फिर भी जो आकृति या जो उसकी नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं इस तरह की ओर इशारा जरूर कर रही थी, इसीलिए हम लोगों ने इतना गंभीरता से सर्च अभियान चला रखा है। अभी नाले की तरफ हमारा मूवमेंट है, नाले की तरफ अब स्ट्रीम हम लोग जा रहे हैं और नाले की दूसरी साइड भी सर्च करेंगे। जिन जिन एरिया में अभी हम लोगों ने सुबह सर्च किया वो इस बार अभी फिर से उसका दोबारा फिर सर्च करेंगे। लगातार हमारा सर्चिंग अभियान चलेगा जब तक कि वो ट्रेस नहीं हो जाए। आधी के 6 महीने का बुरहानपुर से इसको लेके आए थे और यहीं उसको जो पिछले पैरों में तकलीफ थी उसी के इलाज के लिए लाए थे। किसी जानवर के घायल होने की भी सूचना? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को कोई छोटा बच्चा है वो किसी को हार्म नहीं करेगा। कंफर्म नहीं है क्या कि वो है कि नहीं आजू में? हाँ, वो बहुत सारे संशय है। ये स्थिति तभी क्लियर होगी और मैं भी तभी कहने की स्थिति में आ पाऊंगा जब तक कि वो सामने हमारे मेरी नजरों के सामने। सुरक्षा के तौर पर यह सुरक्षा के तौर पर हम लोग सारे स्टेप्स ले रहे हैं और उसी का सर्चिंग अभियान भी चल रहा है। ठीक, थैंक यू।